हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो वीडियो कई दिन से नहीं आई थी क्योंकि आपको पता है कि केवीएस की एग्जाम डेट आ गई है और सब लोग लगे हुए हैं। इसी वजह से हम भी अपनी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसीलिए कभी समय मिलता है, कभी समय नहीं मिलता है। अगर एक घंटा भी मिलता है तो लगता है कि चलो ये भी पढ़ लिया जाए, फर्जी वीडियो क्या बनाया जाए। तो वीडियो इसलिए थोड़ा सा बनाना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि अभी जो आपके पेपर हुए थे एलडीसीई के, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय में काम करते हैं उनको जब प्रमोशन के लिए दिया जाता है तो उनको एक पेपर कराया जाता है, जिसको हम लोग कहते थे एचएम का पेपर। यानी कि एचएम का भी हुआ था और आपका टीजीटी पीजीटी का भी इंटरनली पेपर हुआ था, ठीक है। तो जब ये पेपर हुए उसके बाद लोगों ने अपनी अपनी राय बना ली केवीएस का पेपर किस तरीके से आएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा खाली आप 3 से 5 तक खाली एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी हम खबर में बात करेंगे, ऐसा लोगों ने क्यों कहा, ऐसा आपको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि समझना बड़ा जरूरी है वरना फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है सर, 4 साल में वैकेंसी आई है, 4 साल के बाद वैकेंसी आई, अब कब आएंगे तो आपको पता नहीं, क्योंकि अब जब आएंगे तो क्या पता आपकी एज हो या ना हो, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा समझिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पे जो बात सही होती है उसी की बात बताई जाती है। वरना हम यहाँ पे रोज भी आपके लिए वीडियो ला सकते हैं, वरना मेरे पास समय नहीं है क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं और हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। अगर आपको जानना है तो आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो एनसीईआरटी, सब लोगों ने कहा कि ईवीएस जो है आप 3 से 5 पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सब लोगों ने कहा मैथ आप 3 से 5 कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सब लोगों ने कहा हिंदी और इंग्लिश भी कहीं ना कहीं 3 से 5 के लिए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, वो एचएम का पेपर था, यानी कि वो प्रमोशन बेस्ड पेपर था। जो केवी है वो चाहता है कि जितना हमने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो टीचर, क्या उनको वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी के बिहाफ पे वो प्रमोशन वाले पेपर लेते हैं, ठीक है। यानी कि उनको सिलेक्ट ही करना है। एचएम मतलब क्या, जितनी वैकेंसी है उतने लोगों को सिलेक्ट करना है। अगर वो पेपर थोड़ा सा भी हार्ड बना देंगे तो आपको पता है कि लोग क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे। इसी वजह से कोई कहता है कि केवीएस का चाह रहा है कि मतलब हम पेपर ऐसा सेट करेंगे चीजें आसानी से सब उसी के अंदर आ जाए, अदरवाइज सीटें खाली रह जाएंगे तो उसको कहीं भी फिल नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपको पता है एचएम जो है वो ओपन रिक्रूटमेंट नहीं है, यानी कि वो ओपन भर्ती नहीं है कि हम बाहर से किसी को बुला के वो एचएम की सीटें फुल करा लेंगे। जो वहां पे कार्यरत हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग एचएम की सीटें भरी जाएंगी, ठीक है। तो उसको एचएम की सीटें भरनी है, इसी वजह से उसने पेपर जो है बिल्कुल एनसीईआरटी के अराउंड बनाया था, यानी कि डिट्टो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में थे वही थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या जो पीआरटी होगा क्या वही क्वेश्चन आपके पीआरटी में भी आएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिएगा पीआरटी जो आपका पेपर हो रहा है वो ओपन रिक्रूटमेंट के आ रहा है। अब ये बात हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा वही एचएम का पेपर हुआ था डिपार्टमेंटल, वहीं आपका टीजीटी पीजीटी का भी डिपार्टमेंटल हुआ था। आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी होती हैं वो आप ओपन के थ्रू भी भर सकते हैं और आप उसके बाद उसको अंदरूनी भी भर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर डिपार्टमेंटल वाली जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नहीं भरी जाएंगी वो इधर इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि उधर वो करा ही रहे हैं तो वो वैकेंसी इधर आ जाएंगी, तो यहां से भी बच्चे ले सकते हैं वो। लेकिन एचएम में ऐसा नहीं कर सकते हैं वो, इसी वजह से एचएम का पेपर आसान बनाया गया था, ठीक है। तो बात आप समझ रहे होंगे। पीआरटी देखो, पीआरटी का सिलेबस सब लोग कह रहे हैं खाली एनसीईआरटी कर लो। देखो एनसीईआरटी तो आएगा, इतना नो डाउट, क्योंकि एनसीईआरटी तो देना ही देना है उनको। लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी कई चीजें जो ऐसी हैं जो आप 6th 7th 8th में देखेंगे, वहां भी चीजें अच्छी खासी बनती हैं, ठीक है। तो आपको 3 से 5 की जो एनसीईआरटी वो तो करना है, कम से कम आपको 40% क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरह क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। जो 60% क्वेश्चन है वो कहाँ के हैं, वो जो आपके हायर लेवल के हैं उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। यानी कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्रेफरेंस दीजिएगा, लेकिन एनसीईआरटी से खाली काम नहीं चलेगा। आप ये सोच रहे हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, बिल्कुल आप गलत फहमी में है। याद रखिएगा इस बार तो आपका सीटेट भी अच्छा खासा लेवल ला रहा है ईवीएस में, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो आप पहले प्रेफरेंस दीजिए, जितना आपने नहीं पढ़ा आप उसको पढ़ डालिए, उसके बाद एनसीईआरटी के अलावा जो जितनी 6 थीमें दे रखी हैं कहीं से भी आपको चीजें मिल रही हैं आप आसानी से वहां बना सकते हैं, ठीक है। सवाल उठता है सर जी हमको एनसीईआरटी नहीं मिल रही हम क्या करें, तो एनसीईआरटी जितनी किताबें आपको जरूरत है वो हम सब आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको हिंदी की जितनी भी जरूरत है, एनसीईआरटी 1 से 12 की जरूरत है वो हम अभी बता देंगे आपको। कोई पैसा खर्च नहीं होगा, खाली मोबाइल आप खोलिएगा, मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करिएगा एनसीईआरटी बुक के नाम से,
क्या नाम है, एनसीईआरटी बुक के नाम से डाउनलोड करिएगा पूरी। उसमें एक से लेकर कक्षा 12 तक जितनी किताबें चलती हैं ओवरऑल सारी किताबें दे रखी हैं, आपको जो पढ़ना होगा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बात समझ रहे होंगे आप, केवल एनसीईआरटी से आपको काम नहीं चलाना है। लोग कह रहे हैं कहने दो, क्योंकि 4 साल वैकेंसी बाद आई है वैकेंसी, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर रिस्क ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए, कोई भी दिक्कत आती है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में, कौन सी कहाँ से कलेक्ट करें कैसे पढ़ें बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, आपके लिए हम तत्पर रहे हैं, यानी कि जो पॉसिबल हो सकता है हम आपके लिए बताएंगे, क्योंकि वीडियो रोज बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको पता है तैयारी बहुत करनी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट आप समझ नहीं पा रहे हैं कितने कितने घंटे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि आप गलत फहमी में न रहें, एनसीईआरटी तो आपको पहली बात पढ़नी पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी अच्छा खासा कंटेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। 40% एनसीईआरटी से पूरा सिलेबस आएगा, लेकिन उसके बाद जो आएगा आपका 60% चीजें बनेंगी बाहर से, ठीक है। तो चाहे ईवीएस की बात करें, चाहे आप हिंदी इंग्लिश की बात करें, चाहे आप मैथ की बात करें, क्योंकि आप मैथ देखेंगे एक से लेकर जो 3 से लेकर जो 5 तक मैथ, उसमें कुछ देखा या समझ में नहीं आएगा आपको एनसीईआरटी में, नहीं बात समझ में आई, तो चीजें आपको थोड़ा सा अपर लेवल के देखनी पड़ेंगी, जो जो उसका दे रखा है सिलेबस उसका आपको ऊपर ऊपर नॉलेज तो होना ही होना चाहिए, थोड़ा सा उसका डीप भी चलेगा, अगर इस तरह हुआ तभी आप अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हैं। आपको पता है इस बार इंटरव्यू और डेमो में अच्छा खासा वेटेज दिया है इन्होंने, 60 नंबर का है अच्छा खासा, वहां भी अच्छा, मान लो मामला अच्छा नहीं हुआ, अगर मेरा ये रिटर्न अच्छा हो गया तो चीजें अच्छी खासी बन जाएंगी, क्योंकि आपको एक जॉब लेना है उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बिल्कुल बात समझ रहे होंगे, चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर कोई भी कमेंट राय आपको है यानी कोई भी क्वेश्चन आपको है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।